नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत की मोदी सरकार बिना किसी लाग लपेट के देश में वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या पारदर्शिता से दुनिया के सामने रख रही है। भारत में इस वक्त संक्रमित मरीजों की तादाद 56,000 के पार हो चुकी है, जबकि यहां 1,885 लोगों ने दम तोड़ा है। मगर बावजूद इसके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने अभी तक कोरोना वायरस के जो आंकड़े बताए थे, अब उनका पर्दाफाश हो गया है। दुनिया के सामने पाकिस्तान यही प्रदर्शित कर रहा था कि स्वास्थ्य कर्मियों के पास पीपीई किट, मास्क और दास्ताने की सुविधा नहीं होने के बावजूद भी कोविड 19 के मामले जनसंख्या के हिसाब से काफी कम है। इमरान के इस झूठ की पोल खुद ईदी फाउंडेशन और सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह ने खोलकर रख दी है। मुराद अली ने कहा कि इमरान सरकार मृतकों की संख्या में हेरफेर कर रही है। कराची के अस्पताल में एक ही दिन में 387 लोग मर गए, लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि इन्हें सांस की बीमारी थी। इन लोगों ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था। डॉक्टरों ने इनका एक्सरे किया है, जिनमें इनके फेफड़े खराब पाए गए हैं। इसकी पुष्टि खुद ईदी फाउंडेशन ने भी की है। ईदी फाउंडेशन पाकिस्तान में एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान करती है, पर मामला यहां तक नहीं है। कराची के मॉडल टाउन लिंक रोड पर बनाए गए कब्रिस्तान में 687 लोग दफनाए जा चुके हैं। सिवन कब्रिस्तान में 429 शव दफनाए गए हैं। कराची में ही ईदी फाउंडेशन द्वारा संचालित कब्रिस्तान में 430 से ज्यादा टोपी बाजों को सुलाया जा चुका है। इसके अलावा देश के 26 से ज्यादा कब्रिस्तानों में 12,000 से ज्यादा मुल्लाओं को पैक किया गया है। खास बात यह है कि इन मृतक टोपी बाजों की कोई जांच नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तानी आधिकारिक आंकड़ों में आज सुबह तक संक्रमित मरीजों की संख्या 25,837 बताई गई है, जबकि हुरो की लालसा में रफू चक्कर टोपी बाजों की तादाद केवल 584 बताई जा रही है। पाकिस्तान के दैनिक ट्रिब्यून के मुताबिक पिछले 5 दिनों में 2,844 लोग दफनाए गए हैं, जबकि इमरान के अधिकारी इन दावों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, उनके मुल्क में कोरोना वायरस ने ज्यादा कहर नहीं बरपाया है, जबकि वर्तमान हालात इमरान सरकार के दावों के बिल्कुल उलट है। कराची और लाहौर के अस्पतालों में बड़ी संख्या में मौतें हो रही है। इन दो महानगरों में औसतन 600 से ज्यादा टोपी बाजों का गेम ओवर हो रहा है, लेकिन प्रशासन मौत पर भी गंदा खेल खेल रहा है। वे इन मौतों को आम लोगों से छुपा रहा है। पाकिस्तान असेंबली के अध्यक्ष और सिंध के राज्यपाल तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली के बहनोई का खेल खत्म हो चुका है, मगर इमरान यही दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1764 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पाकिस्तान ने 34 टोपेबाजों का खेल खत्म होने की बात स्वीकारी है। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट भी आशंका जता चुका है कि आने वाले चंद दिनों में यह संख्या लाखों में पहुंच सकती है। बड़ी बात यह है कि इमरान ने राज्य सरकारों की सिफारिश को दरकिनार करके 9 मई से लॉकडाउन खत्म करने की घोषणा कर दी है। इमरान का कहना है कि यह फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि लॉकडाउन के कारण परमाणु संपन्न मुल्क के लोगों को सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने 5 सप्ताह का लॉकडाउन घोषित किया था। लॉकडाउन का फैसला इमरान ने नहीं लिया था, यहां प्रांत सरकारें खुद ही प्रतिबंध लगा रही थी। यह लॉकडाउन ऐसे समय में खुल रहा है जब पाकिस्तान में कोरोना काबू से बाहर हो चुका है। यहां मस्जिदों में मुल्लाओं को झुकने की इजाजत पहले ही दे दी गई थी। अब पाकिस्तान के सभी तैमंदबाज मिलकर कदैया नृत्य कर सकेंगे। वैसे भी स्थानीय मुल्लाओं ने घोषणा कर दी है कि अल्लाह के होते हुए उनका चूल्हा नहीं उठ सकता है। कहने वाले यही कहते हैं कि पाकिस्तान सरकार द्वारा छुपाए गए वास्तविक आंकड़े उसके लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। अगर प्रशासन निष्पक्ष रूप से वस्तु स्थिति को बताता तो इससे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मदद मिलने में आसानी हो जाती। साथ ही जिस गति से यहां महामारी कहर ढा रही है, उसे कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता था। चर्चा यह भी है कि पाकिस्तान अपनी भूल का मीडिया के माध्यम से सुधार करने में लगा है, मगर बहुत देर हो चुकी है। पाकिस्तान से अगर सच्चाई भी निकलती है तो उससे पाकिस्तान की मदद तो दूर की बात है, जग हंसाई ही ज्यादा होनी है, जो कि अब हो भी रही है। मदीने की रियासत का पदीना सूख चुका है, अब उसमें से रस की उम्मीद करना बेमानी है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।